बोले तो बाबा की चौकी। बाबा 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 क्या लिख रहे हो? ये मेरा नोटबुक है, बायोपिक्स वगैरह बन रहा है और मेरा वापस आने का चांस है, तो मैं सब लिखते जा रहा हूँ। कौन बात में बैठ के बताएगा क्या किया अपन? See, I have written here. Now I am getting up from my seat so that I can welcome Zaheer and Pranutan with lots of love. अब ये लिख के full stop. अभी अभी लिखा है तो करना पड़ेगा। ये उठ के ऐसा करने से पहले लिख रहे हो? हाँ मैं लिख दिया ना कि कल को बायोपिक में बताना पड़ेगा ना मेरे को। हेलो प्रणुतन, हाउ आर यू? आई एम ग्रेट। हाउ इज मोनी? सुपर। गिव माय लव। डेफिनेटली। आई विल। आई विल। हाउ इज दैट? वेरी मच। गिव माय लव। यस। वेलकम टू आवर शो जिसका नाम है प्रिय बाबा की चौकी। प्रिय क्यों? क्योंकि आज मैं कुछ प्यार भरी बातें करने वाला, क्योंकि हमारे साथ आज आए हैं द स्टारकास्ट ऑफ स्टारकास्ट, मतलब द हीरो एंड द हीरोइन ऑफ नोटबुक। नया पिक्चर आ रहा है तो प्लीज वेलकम, पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर नन अदर देन ज़हीर एंड प्रणुतन। जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू सर। ज़हीर जी बताइए। हाउ आर यू कॉलिंग मी? ज़हीर जी डजंट साउंड नाइस। आई नो बट फॉर्मेलिटी, कॉल मी ज़हीरो। ज़हीरो? हां ज़हीरो। ज़हीरो इज सुपर, द स्टाइल है ना ज़हीरो। क्या आप अपने फिल्म के बारे में आप दोनों पहले हमको आइडिया दीजिए कि किस किस तरीके की ये उसमें मतलब डिड यू प्लॉट अबाउट द फिल्म? तो ये एक बड़ी अलग सी लव स्टोरी है जिसमें कोई जिसमें लड़का और लड़की मिलते नहीं मतलब बिना मिले प्यार हो जाता है। ओह दैट्स अ न्यू थिंग। तो बड़ी अनकन्वेंशनल लव स्टोरी है और पूरी पिक्चर जैसे आपने ट्रेलर में देखा होगा कश्मीर में शूट हुई है। हाउ ब्यूटीफुल यार, अरे कमाल का मजा आया उधर शूट करके। और बहुत समय के बाद एक पिक्चर है जो पूरी शेड्यूल वहां शूट हुई है। इट्स अ ब्यूटीफुल प्रणुतन जी, आपने पढ़ाई की है, लॉ की लॉयर हैं आप जी। लॉ और मेरा अलग रिलेशन हो जाने दो, मैं क्या भी सुनो 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 मिसलम को थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है। मेरे को लगता है कि पता नहीं कौन सा मेरा ही इंटरव्यू चालू हो जाएगा, लेकिन आप मेरी तरफ से। हां डेफिनेटली जी जी जी। कौन सा सेक्शन किस पे ठोकना है? हां धारा वीरा दूर रहो, धारा वाइज ठीक है अपने को धारा। अब आप मुझे सवाल पूछे, मैं जवाब दूं। स्टार्ट। आप पे कितने धाराएं लगी? Oh, no. ये शो यहीं पे हम आगे बढ़ाते हैं। लॉ की पढ़ाई की तो आपने एक्टिंग कैसा चुना लॉ के बाद? मुझे हमेशा एक्टर बनना था, लेकिन उस वक्त मुझे लगा कि मुझे अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी चाहिए और मुझे एडमिशन मिल गई लॉ कॉलेज में और मैं अच्छी थी उसमें एकेडमिकली, तो मुझे लगा कि जरूरी नहीं है कि 16 साल की उम्र में ऑडिशन के लिए जाना चाहिए, 22 की उम्र में भी जा सकते हैं। शो का खास बात मालूम है क्या है? मैं भी बाबा का बहुत बड़ा फैन, इधर बैठ के हम लोग ने बहुत सारी फिल्में प्रमोट की, पिक्चर सुपर हिट भी हो गई, लोग हमें भूल भी गए। भूल गए रखो आगे, लोग हमें भूल भी गए, लेकिन मैंने आज तक एक भी पिक्चर नहीं। कैन यू बीट दिस? कैन यू एमटीवी बीट दिस? इट्स ओके। एनीवे ज़हीरो जी, मैंने सुना है कि सुना नहीं इस है मतलब कि आपको बॉडी बनाने की ट्रेनिंग सलमान खान ने दी थी जी, कितनी सच्चाई है इसमें? पूरी बात सच्ची है। मैं जिम जाता था, लेकिन जैसे कॉलेज में लोग जाते थे कि दो रैप बाइसेप मार के ऐसा लगता कि बॉडी बन गई और बाहर जाके बिरयानी खा रहे, तो एक्चुअल बॉडी कैसे बनाते वो उन्होंने सिखाया। क्या बात है, वेरी नाइस। और क्या है आपके फिटनेस का राज क्या है? भाई ओ अब ये राज राज नहीं रहा, मालूम पड़ गया ना तुमको, तो सबको पता है भाई इज द राज। और बहुत सारे अंडे। ओ आई कम टू, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर ब्यूटी आल्सो बताओ। सीक्रेट ऑफ माय ब्यूटी? या ओ गॉड, आई थिंक द गुड जीन्स ना, मम्मी पापा इतने गुड लुकिंग। मेरे को लगा जींस तो बन गए
मम्मी पापा बहुत गुड लुकिंग है तुम, और मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं मुझे बहुत खुश रखते हैं तुम। आपको के पीछे तो बहुत सारे लड़के पड़े होंगे वैसे, टू बी वेरी फ्रैंक। तो हाउ यू हैंडल्ड ऑल दोस गाइस फॉलोइंग यू एंड देयर इज नथिंग टू हैंडल, कोई नहीं है पीछे मेरे। नहीं होंगे पहले से? नहीं है अभी तो, डर के जाते होंगे साथ में आपके सर रहते हो। जहीर आप भी बहुत हैंडसम है, इतने गुड लुकिंग है, चार्मिंग है, तो आप तो बहुत लड़कियों के पीछे पड़े होंगे। नहीं नहीं पक्का तो बोलो ऐसा, अरे ऐसा कैसा हो